हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज मुंबई में हाई अलर्ट बोला गया है और बारिश नहीं हो रही है। बारिश रात से 1 बजे से 7 बजे तक मैसेज आया हुआ है, मतलब महानगर पालिका की तरफ से। अभी बारिश नहीं हो रही है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी गई थी, तो रात को ही मुझे मालूम पड़ गया था कि आज छुट्टी हो गई है। तो आज अब लेकिन अभी सुबह से 6 बजे से बारिश बंद है और मौसम बहुत अच्छा है। तो ये देखिए, मौसम एकदम खुला है, आकाश एकदम खुला हुआ है, कोई भी कुछ बारिश का कोई नामो निशान तो है नहीं, और नीचे भी सब सूखी गया है। जब बारिश हो रही थी तब तक पूरा ऐसा हो रखा था। यहाँ सासू माँ ने अपना बाल वगैरह धुल दिया है, बच्चे सब सोए हैं और मैं चलती हूँ कुछ स्पेशल बनाने। तो चलिए, आप लोग भी चलिए। क्या मैं बना रही हूँ तो आप लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कुछ अच्छा स्पेशल खाना बनता ही है। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। मेरी मम्मी तवली भी लगा बैठी हैं। मम्मी को भी हो गई है सर्दी और पीयू को भी। और घर में ना सभी को सर्दी हो रखी है मौसम चेंज होने के वजह से। तो दोनों मेरी बेटियों को भी हो रखा है और सासू माँ को भी। तो मैं तो सुबह सुबह पहले अपना गर्म पानी ले लेती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी चाय। और चाय ना आज बनाऊँगी काली मिर्च वाली। तो काली मिर्च ज़्यादा डालूँगी क्योंकि सासू माँ को गले में बहुत खराश है, तो थोड़ी तीखी तीखी होगी। अदरक भी डालूँगी तो काढ़े वाला काम भी करेगा और चाय मतलब अच्छी भी लगेगी पीने में। तो पहले मैं अपनी पानी मतलब पी लेती हूँ जो सुबह मैं पीती हूँ गुनगुना। आज मैंने नहीं पिया था और लेट हो जाता है कामों में, तो पहले पी लेती हूँ, अपना पानी कंप्लीट कर लेती हूँ पी के, फिर उसके बाद काम शुरू करूँगी। नहीं तो फिर मैं पता है मेरा पानी गर्म करके रखूँगी, पानी ठंडा हो जाएगा और काम करने में रह जाती हूँ, भूल ही जाती हूँ। और ना जब ऐसी चाय बनाओ ना तो बड़ी टेस्टी चाय बनती है। तो आज ऐसी चाय बनी थी बहुत मज़ेदार, और मेरी सासू माँ ने 2-2 बार पी ली चाय मांग के। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाई थी कि थोड़ी सर्दी टाइप है ना, तो बारिश भी होता है ना तो मज़ा आता है थोड़ा चाय पीने में। वैसे तो मैं चाय की इतनी लवर नहीं हूँ, और मैं बना रही हूँ वैसे यहाँ पे साबुदाना के वड़े। तो किसे किसे पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा छोटू सा किचन है, मैंने दूध गर्म किया है, सब्जी भी कट कर दी है कि मेरे हस्बैंड को टिफ़िन लेके जाना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सारा प्रिपरेशन मैंने फटाफट कंप्लीट कर लिया, और सब कुछ मैंने शॉर्ट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पता है ना सब कुछ शॉर्ट रिकॉर्ड करने में ना बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे एक बैच निकाल लिया है, तो आप लोग भी पहले खा लीजिए क्योंकि मेरे व्यूअर सबसे पहले होते हैं। तो इसलिए मैं पहले सबसे पहले अपने व्यूअर की प्लेट बना दी हूँ, और सिंगदाने की चटनी के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जितना बनाया था इसका बॉल्स, तो वो सब मैंने डाल दिए कढ़ाई में, और उसके बाद फटाफट ना सारे बॉल्स बना के निकाल लूँगी। क्या है ना कि इसे बॉल्स बना के ना निकाल लूँ ना तो फटाफट छानने में आसानी हो जाती है, नहीं तो पता है कढ़ाई में तेल गर्म हो जाता है और छानने के लिए फिर बैठो उसका गोला बनाओ। और ये देखिए सेकेंड टाइम वाली चाय हो रही है। मैंने चाय ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी ना, तो अभी एक बार मैंने मेरे सासू माँ ने पी थी और अब मेरे हस्बैंड और सासू माँ फिर से पी रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा चाय बना दी थी। अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ। तो बारिश बहुत जम के हो रही थी तो पकौड़े खाने का तो मन बनता ही है, तो मैंने रात में इसे साबुदाना भिगा दिया था जब मैंने मैसेज देखा था तभी। तो बहुत ही मुझे ये वाले पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो सारे काम हो गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और बच्चों भी मतलब बच्चे भी मेरे ट्यूशन गए हैं। अब चलते हैं बाल विल थोड़ा बनाऊँ, नहा के मैंने बाल विल बनाया ही नहीं। और नाश्ता वास्ता सभी ने कर लिया, खा पी लिया है, घर के सारे काम आज बाकी है, नहीं तो सुबह ही मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो चलिए पहले बिस्तर विस्तर सब कपड़े उपड़े सही कर दूँ। और यहाँ देखिए पूरा स्टैंड भरा पड़ा हुआ है कपड़ों से, ये सारे अभी कपड़े सूखे ही नहीं हैं। यहाँ के पीछे आगे साड़ी सब सासू माँ की यहाँ पे सब फैलाई हुई है। अब ये सब सही करूँगी, पहले अपना बाल बना लेती हूँ।
और आजकल ना कितना भी बिस्तर की साफ़ कर लो, लेकिन बेडशीट ना 2-3 दिन में ना, क्योंकि ऑयल रिलीज़ हो रहा है अपने चेहरे से, अपनी बॉडी से ना, तो सोने के टाइम में ना पता नहीं कैसा चिपचिपा सा फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तर पे सब कुछ लगा पड़ा है, तो इसलिए मैं 2-3 दिन अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि गद्दे पे अंदर सबके बाल, जो भी हम लोग सोते हैं ना, तो बाल जो हेयर फॉल होते हैं वो वहाँ पे 1-2 पड़ा हुआ था, तो मैंने वही सब निकाल रही थी और मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और मेरा ये बेडशीट जो है ना, ये मेरा ऑल ऑफ मतलब बहुत ही फेवरेट है मेरा, ये सारे चादरों में से ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है ये, क्योंकि इसे बस ना ऐसे ही बस बिछा देना है, चारों तरफ टक करना है और आसानी से ये बेडशीट बिछ जाता है। तो घर के सारे काम विम कर लिए, तो मैंने किचन में जाके देखा, तो जहाँ मैंने पकोड़े बनाए थे ना, तो वहाँ पे ना ऑयल मतलब वो तेल, पकोड़े जब बनाते हैं ना तो वो ऑयल झटक के नीचे आता है, तो पूरी ऑयल 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 जैसे फर्श कर रही थी। और मैंने 1-2 दिन पहले और भी पकोड़े बनाए थे, तो नीचे का पूरा फर्श ऐसे गंदा था, तो मैं यहाँ पे ना लिक्विड डाल के साबुन थोड़ा डाल के पानी से फैला के झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो फर्श जो है ना बहुत अच्छा चमक जाता है। तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा साबुन डाल के मैंने इसे फैला दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि यार सीलन अभी तो वैसे ही है और बरसात के मौसम में धो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब सीलन वीलन हो जाती है हवा। मेरे किचन में फ़ैन भी नहीं है, लेकिन वही बस थोड़ा सा चिकनाहट की वजह से मैंने अच्छे से फिर पूरा पोछा, मतलब पहले पानी लगाऊंगी, धोऊंगी किचन को, इसी बहाने मेरे किचन की भी अच्छे से सफाई हो गई आज। तो आज किचन की डीपली एकदम पूरी नीचे की जो फर्श है ना उसे आज एकदम चमका, मतलब चमक ही जाएगा। जब साबुन के पानी से टाइल्स धो ना तो अपने आप ही मतलब पूरा अच्छा साफ़ हो जाता है, एक अच्छी सी चमक आ जाती है फ़र्श पे। तो वही मैंने आज किचन के फ़र्श को साबुन डाल के धो दिया। और वैसे भी ना 10-15 दिन बीतते ही मैं ये किचन का जो सिंक एरिया है ना उसके नीचे, यहाँ मैं कुछ नहीं रखती, क्योंकि ये ना पता नहीं क्यों यहाँ पे एकदम पानी पानी सा, सीलन सीलन सा मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं यहाँ कुछ रखती भी नहीं हूँ। और यहाँ का एरिया साफ़ रहेगा ना तो आपके घर में कभी भी कॉकरोच की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे मतलब मेन बात यही है कि यहाँ पे आप एकदम साफ़ सफाई और सूखा रहना चाहिए। तो यहाँ 10 दिन बीतते ही, हफ्ते बीतते ही मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, ऐसे किचन धो देती हूँ पानी डाल के, तो बेसिन के नीचे भी एकदम साफ़ कर देती हूँ। और पाइप से पानी का ना वैसा फोर्स में ऐसे डालती हूँ, जो भी अगल बगल में झाले हैं कचड़े हैं सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो मैंने पूरे फर्श में पहले एक बार साबुन फैलाया, उसके बाद में फिर पानी पाइप चालू करके मैंने पूरे किचन के वो टाइल्स को अच्छे से वॉश कर लिया। Thank you.
सारे काम करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी, और आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, थोड़ा तैयार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने साड़ी पहन के मैं रेडी हो गई हूँ, और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा तैयार वगैरह हो गई हूँ, तो कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि साड़ी पहनने का मन करता है, थोड़ा सा तैयार हो, अच्छा मतलब लुक क्रिएट करो, क्योंकि हमेशा नाइटी पहन के मतलब अलग सा ही लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा तैयार व्यार हो रही हूँ, और बादल पूरा बहुत ज़्यादा घेरे हैं क्योंकि बारिश जैसा सा मौसम बना के रखा है, तो देखो बारिश होती है या नहीं। तो बस नहा धो के मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, और जब तैयार हो जाती हूँ ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा मेकअप वेकअप करूँ हल्का फुल्का नहीं। और क्या है ना कि डेली के डेली इतने काम होते हैं और मौसम भी ऐसा हो रखा है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है, जो हम नाइटी पहनते हैं उसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा भी चेंज वेंज कर लिया है, और चश्मा तो मुझे बहुत ही ज़रूरी है। कोई कोई तो मुझे बहुत कमेंट करते हैं कि चश्मा क्यों लगाते हो, अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स मेरे हैवी नंबर है ना, तो मुझे लगाना ही पड़ता है, और यहाँ मेरी सासू माँ आके खड़ी है कि मैं कैमरे के आगे आऊँ या नहीं आऊँ। तो मैं पकड़ लिया इनको, मैंने बोला मम्मी आ गई हो तो चलो सबको हाय कर दो। और मैं यहाँ पे ना जो भी कपड़े उपड़े हैं ना यहाँ वहाँ तो सारे फैला रही हूँ, क्योंकि आधे कपड़े मैंने सुबह डाल दिए थे विंडो में और थोड़े बहुत रह गए थे, तो बस यहाँ वहाँ करके एडजस्ट कर रही हूँ, और कपड़े नहीं सूख रहे हैं। जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है ना तो कपड़े सूखने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोनिया ट्विंस मॉम में हमेशा हाजिर रहिएगा, अपना प्यार साथ सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, आज ही के लिए, अभी के लिए, बाय बाय।